बस यही कहना चाहते हैं, रांची में बाहर हो चाहे किसी की भी सरकार हो, बस घूमने को पहाड़ हो। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग एक ऐसे जगह से स्टार्ट किया जा रहा है भाई साहब, जिसका वेट आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि कब यहाँ का ब्लॉग आएगा। तो अभी हम है टोनी सर के फार्म हाउस के पास, जो कि हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ आने का रीज़न ये है जो कि भाई पटना से हमारे कुछ भाई लोग आए हुए हैं। सदान सर को तो आप लोग पहचान ही रहोगे, बहुत दिन ब्लॉग हमने बना के आपको दिया था गाँव वाले ब्लॉग में। तो एक्चुअली ऐसा है कि अब इन लोगों को थोड़ा रांची एक्सप्लोर करवाना है ना भाई। तो सबसे पहले घर से तो सामने यही हमारा पड़ता है धोनी सर का फार्म हाउस, जो कि काफ़ी फेमस है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, आप देख रहे हो सेल्फियाँ वगैरह होते रहती हैं यहाँ पे, तो डेली का है। वैसे मैं प्रॉपर ब्लॉग जरूर बना के दूंगा, क्योंकि ये तो एक पार्ट है सर का रांची में, क्योंकि बहुत सारे इनके और भी घर है, मतलब पुराने घर भी कवर करूँगा, तो वो स्पेशल ब्लॉग में आपको बना के ज़रूर दूंगा। लेकिन वैसे एक आप देख सकते हो छोटा सा झलक यही है। यहाँ पे फोटो शूट सेशन चल रहा है, सब एक एक करके अच्छा हमारे फोन से लिया जा रहा है, पहचानने से इनकार कर रहा है, पहचानने से इनकार कर रहा मेरा आईफोन। चलो आ गया, आंख बंद है, एक आ रहा है। इस रोड से मैं बहुत बार पार हुआ हूँ, लेकिन दूर से ऐसा लगता था कि भाई छोटा मोटा गेट होगा, मतलब ऐसा लगता था। लेकिन भाई सामने से एक बार खड़ा होकर देखोगे ना, क्या बड़ा गेट है, मतलब बता नहीं सकता, बहुत ही ऊंचा यहाँ पे गेट बनाया हुआ है। मतलब सामने यहाँ खड़ा हो गया ना, तब समझ में आया कि भाई कितना हाइट पे यहाँ पे गेट किया गया है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे हो जाता है जब भी मैच वगैरह होता है, और धोनी सर का थोड़ा सा डगमगाता है खेल, तो थोड़ा यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लग जाता है। तो ये तो है भाई, और देख लो आप लोग भी क्या शानदार यहाँ पे फूल पत्तियाँ लगाई गई है। और ये है गेट, यहाँ पे आप देख सकते हो वारा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे वारा लिखा हुआ है। और अंदर का सीन तो भाई लेना बड़ा ही मुश्किल है। फोटोशूट डन हो गया है, अब देखिए नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ पे चलते हैं। वैसे यहीं से सामने विधानसभा है, तो सोच रहे वहीं लेकर के जाया जाए, क्योंकि वहाँ का भी लुक भाई औसम है। अगर आप रांची को होगे भाई तो पता होगा विधानसभा का लुक भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। और रांची के नहीं हो तो आज देख लो, दर्शन कर लेना, बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम के वक्त तो वहाँ पर अच्छा खासा भीड़ होगा, और लाइट जब चल जाती है विधानसभा की भाई मज़ा आ जाती है देखने का। तो ठीक है ना भाई लोग, चला जाना। ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अच्छा हमारे घर में, जो कि आपको वहां जाके बताएंगे। अच्छा कहानी है, कथित है सदान अपने सब यही खोल खोल दो सब यही बता दिया जाए। सदान अपने मुंह जवानी से आपको अच्छे सुनाएंगे, बहुत ही अच्छा सीन हुआ है हमारे घर में, तो दुख भरी कहानी है, बने रहे ब्लॉग में। सो ये आपका पीछे जो है ये विधानसभा है रांची का, ये बहुत ही अच्छा प्लेस है भाई। शाम में अगर आप रांची में हो तो डेफिनेटली आओ, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पीछे आएंगे सब देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यही है यहाँ का विधानसभा, जो कि अभी न्यूली बना है, नया यहाँ पे बनाया गया है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रूट, मतलब वाइब्स काफ़ी अच्छे हैं। लाइट वगैरह जब जल जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने को। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा भाई, कैसा लगता है देखने को। तो ये मेरा कैमरा में मैक्सिमम यही जूम हो सकता है, ये तो वाइड एंगल वाला लेंस है, पर लेकिन एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा जस्टिस हो जाएगा भाई कि क्या यहाँ पे लुक बनाया गया। ऐसे देखने पे काफ़ी अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बात है। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर एक दिन ब्लॉग बना करके मैं दूंगा अभी। तो हमें तो भाई अच्छी तरीके से पता था कि विधानसभा का लुक क्या है, लेकिन क्यूरियोसिटी इन लोगों के अंदर होगा, क्योंकि इन लोगों को मैंने बोला कि विधानसभा दिखाना है। तो सदान बताओ तो भाई कैसा लगा तुम्हें देख के? महल टाइप का है, बिल्कुल महल टाइप का है ही, ऑब्वियसली बात है। प्लानिंग अपना बदल दिया कहीं और, प्लानिंग जो था ना हम लोग का, आप अच्छे सब अब सुनिए, आपको डिटेल में बताते हैं। वैसे हम लोगों का प्लानिंग था पतरातू घूमने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो पतरातू के लिए ऐसा हुआ, घर से थोड़ा पतरातू नाम से लोग डरते हैं कि भाई घाटी वगैरह है, जाना वगैरह नहीं है। और ये तो भाई मेरे को मैसेज करके कॉल करके कितना बार फोन किया, भाई पतरातू का सीन है कि नहीं, सीन है कि नहीं। और बेचारे जब भी आता है इसका पतरातू का सीन ही कैंसिल हो जाता है। और मासूम भी कहाँ है तुम, डरो मत, अरे ब्लॉग कैमरा फेस करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मासूम भी है, ये भी पतरातू के नाम से आया था, लेकिन भाई घर में ऐसा सीन हुआ, मासूमियत का फायदा उठा लिया, पूरा फायदा उठाया गया यार, मासूम की मासूमियत का फायदा उठाया गया, इसे भाई पतरातू के लिए डिक्लाइन कर दिया गया। एग्जाम की पढ़ाई त्याग करके ये देखने आया, एग्जाम को पढ़ाई त्याग करके आया। तो अभी जो है शाम हो गई है और लाइट्स वगैरह यहाँ का जल गया, तो देखो अब जो है लुक काफ़ी बढ़िया आ रहा होगा, क्योंकि शाम होने के बाद यहाँ पे लाइट्स वगैरह जल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने को, और क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा ही आ रहा देखने को आपको। तो ये है आपका रांची का विधानसभा, जो कि ज़रूर आप विजिट करिएगा।
विधानसभा से आने में कल काफ़ी लेट हो गया था, घर में बात सुनने को भी मिल गया। एक सजेशन आपको देना चाहूँगा, अगर आप बाईपास रोड पकड़ के अभी रिसेंट में विधानसभा जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली वो रूट से मत जाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ही ज़्यादा उस रोड में चल रहा है भाई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और इसी वजह से लेट हुआ है और घर में बात सुनने को भी मिला है। तो आज दूसरा दिन है और भाई लोग सुबह हुआ कि नहीं, और स्टार्टिंग में ही बोलने लगा भाई उठते उठते कि आज कहाँ का प्लान है। तो हमने बोला भाई रांची आए हो तो पहाड़ पर्वत तो घूमना ज़रूरी है। तो ये हम लोग आज पतरातू वाले रूट में, मतलब यहाँ से सीधा पतरातू जाता है लेकिन बीच में ऐसा पहाड़ पर्वत होता है, तो यहाँ लेकर के आए हैं। और अभी जो है फ़ोटोशूट चल रहा है भाई लोग का। तो कैसा लग रहा जी तुम लोग का फ़ोटोशूट? पहाड़ देख लियो ना, अब क्या यही सब पहाड़ है भाई। देखो अब रांची का तो लुप्त यही है, एक साल तक लगाओगे भाई? एक साल हो गया ना, एक साल का हो गया, एक साल तक लगाओगे ना? एकदम एक साल। तो भाई एक साल का पूरा कोटा ये लोग लेके जा रहे हैं, यहाँ का सेल्फी, यहाँ का वीडियो, यहाँ सब कुछ लेकर के जा रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये रूट है आपका, अगर आप भी अगर रांची आते हो तो पतरातू जाने वाला रूट है ये, पतरातू सीधे निकल जाता है तो वो रूट कट करके आता है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। तो जी लोग तो फोटोशूट में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। ऐसा है ना कि मेरे को भी ऐसा जगह है, वो काफ़ी दिन हो गया था, भले मैं रहता हूँ रांची में लेकिन इतना काम, इतना सब कुछ होता है, चैनल चलाना, मतलब ये तो ये सब प्लेस मेरे लिए भी नया हो जाता है। देखो जगह तो सब मेरे को पता है, कहाँ क्या है, कहाँ कुर्तिया पहाड़ है, कहाँ पतरातू, अच्छे से मेरे को पता है, लेकिन वही है ना कि वक्त का ही बस कमी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग दिन भर काम वगैरह में लगे हुए हो, यूट्यूब है, चलो ठीक है अर्निंग तो होगा ही, सब चीज़ हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय निकालना चाहिए, पीस वाले जगह में आओ, ऐसे ऐसे जगह में आओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी हाइट में है हम लोग, ऐसे ये चीज आप लोग मत किया करो यार। यहाँ पे देखो लोग पिकनिक मनाए, जो भी किए जो भी था, यहाँ पे देखो बियर वगैरह की बोतल ऐसा फेंका हुआ है, मतलब इस तरीके से मत किया करो कचड़ा यार इन सभी जगह को। मेरे को भी देख के बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर में देखो वहाँ पे जो लोग खड़ा है ना, ऊपर में इतने ज़्यादा मतलब कांच फूटे हुए हैं ना, मतलब ठीक है बोतल, उनको कांच फोड़ने में भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, ये सब सेटिस्फैक्शन थोड़ा छोड़ दो भाई। जहाँ भी जाओ इन सभी प्लेस को थोड़ा अच्छे से रखा करो और इस तरीके से कचड़ा मत किया करो, देख करके बहुत ही खराब लगता है। अभी साहिल के ऊपर में थोड़ा सा पैर में कांच गड़ते हुए बचा है, ये लोग के लिए तो बहुत ही नया है, क्योंकि मेरे को पता है अच्छे से पता है कि ये सब जगह में ये तो मिलना एकदम तय है। तो ऊपर इन लोग आ रहा था, वही बोला कि भाई अच्छे से जाओ, थोड़ा कांच वगैरह फूटा होगा, तो ये चीज़ प्लीज़ मत करना, अगर आप ऐसे करते हो तो भाई बहुत ही ख़राब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे इन लोगों को पतरातू ले जाने का मन था लेकिन थोड़ा सा घर में परमिशन का इशू हो गया, कुछ बड़े लोगों ने बोला कि पतरातू तो नहीं जाओ। काफ़ी मन था इन लोगों का भी, क्योंकि भाई पतरातू मतलब रांची आए और पतरातू ना गए, मतलब मज़ा नहीं आता, ये वर्ड सुनने में मज़ा नहीं आता, वर्ड मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो जा रहा है। तो वैसे अब क्या करें, पतरातू से पहले ये थोड़ा एक लोकेशन था, इन लोग तो भाई इतने ही में खुश है, मतलब बोल रहा भाई क्या मस्त जगह लेकर के आए हो, लेकिन पतरातू जब ले जाते ना तो बड़ा मज़ा आता। तो ठीक है देखते हैं फिर कभी अगर नेक्स्ट आएगा तो, हो सकता है फैमिली प्लानिंग कभी बने तो इन लोगों को पतरातू का भी दर्शन हो जाएगा। हम लोग तो भाई ऐसे ही चल जाते हैं, कभी भी चल जाते हैं पतरातू घूमने। और रांची आना तो भाई यहाँ के फॉल्स को ज़रूर विजिट करना है, जैसे कि जोरना फॉल, दसम फॉल, ये सब फॉल बहुत ही बेहतरीन फॉल है। इन लोगों को तो परमिशन नहीं मिला भाई, पतरातू का परमिशन नहीं मिला तो फॉल तो बहुत ही दूर की बात है। वैसे मैं तो पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा फ्री होना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में तीन चार चैनल है ना, थोड़ा सा मेरा भी माइंड थोड़ा हो जाता है। तो जब एक चैनल में अच्छे से फोकस किया जाएगा ना, ब्लॉगिंग में भी करेंगे और अच्छे से ड्रोन शॉट वगैरह भी सोच रहा हूँ, पूरा अरेंजमेंट एकदम GoPro ड्रोन शॉट पूरा सब कुछ आने वाला है। तो जैसे सारा चीज़ एग्जीक्यूट हो जाता है, मेरे पास आ जाता है, पकड़ेंगे किसी ना किसी को और पूरा रांची अच्छे से एक्सप्लोर करना है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना अगर फ्यूचर में ब्लॉग ऐसा देखना चाहते हो, क्योंकि रांची के जितने फॉल्स है, जितने भी ऐसे ऐसे प्लेस है ना भाई, सब मैं कवर करने वाला हूँ, बस इंतज़ार है उस दिन का। बाल देख लो अच्छा से, संवार लो अच्छा से, है ना? ठीक है ना, संवार लो, ने कॉपीराइट आ जाता है। तो आज की ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया। बोलो बोलो बोलो, बस ऑन है, ऑन है, ऑन है, सब ऑन है। बस यही कहना चाहते हैं, रांची में बहार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, बस घूमने को पहाड़ हो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बोले, वाह वाह, बहुत बहुत इनोवेटिव हो भाई। तो आज किस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप सो आपको भी मजा आया होगा। तुम लोगों को कैसा लगा? वैसे पतरातू तो नहीं हो पाया, छोटा पतरातू हम लोग घूम लिए, दिल को तसल्ली मिल गई है, तो इतना भी खुश हो गया होगा ना? अरे एकदम मजा है ना, नेक्स्ट बार आओगे तो पतरातू बड़ा हो जाओगे ना, तो फिर परमिशन का उतना टेंशन नहीं रहेगा। अभी ज्यादा बड़ा नहीं हो, बड़ा हो जाओगे तो परमिशन मिल जाएगा।
तो ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। अच्छा एक चीज बताना चाहेंगे, एक पोस्टर देखो यहाँ पे, पोस्टर है हमारे नए मूवी का, ब्लॉग एक प्रेम कथा। ये फोटो आप लोग देखो और बताओ लग रहा है कि ना मूवी का पोस्टर है या नहीं। तो ये मासूम का क्रिएटिविटी है, इन्होंने लिया है तो इनको थैंक्स जाता है। मासूम अरे भाई डाल लोग इसको मत करो ज्यादा। तो ठीक है आज की ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए